भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्धप्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। सारा खेल ही खत्म करता हूँ। ये बाबा क्या कर रहे हैं आप? अगर मेरे सर पे खून सवार है। रुक जाइए। अरे बहुत हो गई आंख बिचौली। अब सीधा वार करूंगा, सबके सामने उस भीमराव के सीने पे गोली मारूंगा। एक ही बार में सारा किस्सा ही खत्म। बाबा रुकिए, तो ऐसे आवेश में आकर कदम उठाना सही नहीं है। अरे यही सही है, नाक में दम कर रखा उस भीमराव ने, एक झटके में किस्सा खत्म करना है, यही सही है। अरे नहीं मेघनाथ जी, ये सही नहीं है, आप शांत हो जाइए। अगर आप ऐसा कुछ करेंगे ना तो चाल में 10 लोग मिल जाएंगे आपके खिलाफ गवाही देने के लिए, और वो पूना वाला तो है ही, आपके खिलाफ केस लड़ेंगे, आपको जेल में भेज देंगे, आपको फांसी में लटका देंगे। और पहले ही छोटा भाई जेल में है और आपको भी फांसी में लटका देंगे तो हमारा क्या होगा? क्या करूं? कुछ दिनों के लिए भीमराव और उनके साथियों को भूल कर आपका छोटा बेटा जेल में है, उसे रिहा कराने के बारे में सोचिए। आपका बड़ा बेटा, उसके शादी के बारे में सोचिए। शांत हो जाइए मेघनाथ जी, शांत हो जाइए। छोड़िए बाबा, दीजिए बंदूक दीजिए। आशीष शिपाल जाओ, बंदूक रख कर आओ। हाँ शांत हो जाइए। अरे शिशुपाल, तुमने बाबा को बताया नहीं कि लड़की वालों की तरफ से तुम्हें देखने के लिए वो बिचौलिया आया था और उन्होंने तुम्हें पसंद भी कर लिया है? नहीं, इसने तो ऐसा कभी नहीं बताया। करे, तूने बताया नहीं मुझे? अब बाबा, मैं बताने वाला था लेकिन इस हड़बड़ी में कहाँ बता पाता मैं। चल ठीक है, पर ऐसे हल्के में शादी नहीं कर दूंगा मैं। अरे लड़के वाला हूँ, अच्छा खासा दहेज दूंगा। हाँ ठीक है, आप बिल्कुल सही है, लेकिन बैठकर बातें करते हैं ना। हाँ चलिए बैठते हैं। हाँ, आए, आए। चल बेटा घर चल, बहुत दिन इंतजार किया आप, अब घर चल। हम चाल वालों ने मिलके एक फैसला किया है, और वो फैसला ये है कि अगर तुम पूरन के लिए लड़ाई लड़ते रहोगे तो इस चाल के अंदर नहीं रहोगे, इस चाल के बाहर रहोगे। तुम्हें हमारी बातों का, हमारी जज्बातों का, हमारी चाहत का मतलब नहीं था, तो हम सब इन लोगों के फैसले के साथ हैं। जीजा भाई, ये एक और हार है तेरी। कैसा लग रहा है देख सामने? भीम को अपनी तरफ आते हुए देख, ये समझ कि भीम की हर सोच तेरी हर साजिश को करीब से ध्वस्त कर देती है। Ah
क्या हुआ रमा, ऐसे क्यों देख रही हो? सोच रही हो कि आप जब साथ में होता तो ये कमरा, ये दरवाजा, ये घर सब दिखता, सब समझ आता, लेकिन आप जब नहीं होता तो सब एक जैसा सुनसान लगने लगता। पिछले कुछ दिनों में इस घर का अकेलापन और खामोशी महसूस की है मैंने। मैंने भी इस घर से बाहर रहकर इस घर को महसूस किया और यहां बिताए एक एक अच्छे क्षण को याद किया। वैसे अच्छा हुआ, ये कुछ दिन दूर रहकर पहली बार मैंने आपसे दूर रहने की स्थिति को भी महसूस किया। कल को आप पढ़ने विदेश चले जाएंगे या फिर काम करने के लिए चले जाएंगे, मुझे तो अकेले ही रहना पड़ेगा ना। रमा, इस सब के बारे में अभी मत सोचना। वाला सर, आपकी यह भेंट हमेशा मेरे पास रहेगी। जब भी कभी मेरे जीवन में भटकाव आएगा तब आपकी यह छड़ी मुझे अनुशासन में लाएगी। इस उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। भीम की पढ़ाई का ख्याल रमा को है और भीम भी समझता है कि भटकना क्या है और अनुशासन क्या है, लेकिन कई बार समझदार व्यक्ति भी अपने लक्ष्य से दूर चला जाता है। लेकिन मैं भीम को जाने नहीं दूंगा, भीम को लौटाकर पढ़ाई पर लाना ही होगा। इस भीमराव को अगर ऐसे ही हम पढ़ाई से दूर रखेंगे ना तो इसकी ताकत धीरे धीरे कम होती जाएगी। ये पढ़ा लिखा है ना, इसीलिए हम जो भी चाल चलते हैं उसे बड़ी बारीकी से समझकर उसका तोड़ निकाल लेता है। मगर बाबा, उसके घर में उसकी पत्नी और पिता है जो उस भीम को पढ़ाई से कभी दूर नहीं होने देंगे। समझ रहा हूँ बेटा, जानता हूँ ये राम जी ना बड़ा चतुर आदमी है, उस भीमराव पर एकदम निगाहें गड़ाए रहता है, उसे किसी भी तरह पढ़ाई से दूर होने ही नहीं देता। समझ रहा हूँ बहुत मुश्किल है भीमराव को पढ़ाई से दूर करना। अरे तो उसे करेंगे आसान। कल से भीमराव काम पर जरूर आएगा और उसे काम देंगे, पैसे देंगे। पैसे देंगे तो उसके बदले उसे बहुत काम करवाएंगे, इतना काम करवाएंगे कि उसके पास समय ही नहीं बचेगा कि वो पढ़ सके। सही कह रहे हैं सेठ जी, अब थोड़े दिनों के लिए इस भीम से लड़ना छोड़कर उसे तरीके से बर्बाद करने की रणनीति पर काम करना होगा। क्या लगता है बाबा? एकदम सही बेटा, यही सही रहेगा। अरे वो तो उन लड़की वालों को बोल कि आके मिले मुझसे। कहना सेठ जी, ये लड़ाई झगड़ा तो सारी जिंदगी चलता ही रहेगा, इसी में तेरी शादी भी निपटा देते हैं। ठीक है, ठीक है बाबा। बाकी देखते हैं उस भीमराव को कैसे पढ़ाई से दूर कर सकते हैं।
अभी आप हाथ पैर धो लीजिए और तैयार हो जाइएगा, और फिर पढ़ाई भी कर लीजिएगा थोड़ी, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। ठीक है। मैं क्या सोच रही थी, क्या अभी शाम होने में समय है तो मैं बाहर जाकर काम ढूंढ लेती हूँ। नहीं, मुझे लगता है अभी मत जाओ रमा, और अगर जाना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ काम ढूंढने। नहीं, आप नहीं आएंगे। पिछले कुछ समय से आप परेशानियों में उलझे थे, इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपना पहला लक्ष्य भूल जाएंगे, और ना ही मैं आपको भूलने दूंगी। आपको काम ढूंढने पर नहीं, पढ़ाई करने पर ध्यान देना चाहिए, और आज तक जैसे मैं काम करते आई हूँ वैसे आगे भी करते रहूंगे। लीजिए। ठीक है रमा, मैं वादा करता हूँ तुमसे कि अभी बहुत सारा समय निकालकर जरूर पढ़ाई करता रहूंगा, और धन्यवाद मुझे मेरा लक्ष्य वापस याद दिलाने के लिए। जाती हूँ। भीम, तुमने मेरे लिए जो किया उसका मैं बहुत आभारी हूं, लेकिन अब मुझे लगता है अब मुझे यहां से जाना चाहिए। तुम्हारा भी अपना परिवार है, उनकी जिम्मेदारियां हैं, ऐसे में मेरा यहां रहना ठीक नहीं होगा। तुमने मेरे लिए बहुत किया, मुझे जेल से छुड़वाया, मुझे नई जिंदगी दी, अब मैं अपने जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ कर लूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप काका, आप कहीं नहीं जाएंगे, अब आप इसी परिवार का हिस्सा हैं, तो अब से आपको किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ काका, पर हम आपको काका बुलाते हैं, मतलब हम आपके बच्चे जैसे हुए हैं ना, और आपके बच्चे आपको ऐसी हालत में कैसे कहीं जाने दे सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही है रमा, अब से आप यहीं पर हमारे साथ रहेंगे, इसके बाद आप कुछ मत कहिए। आई, अब दीजिए मैं कर देती हूँ। ए, आदत हो गई है क्या तुझे ऐसे आगे कूदने की? वहाँ कारखाने में भी ऐसे ही कूद कूद कर थोड़ा बड़ा पद क्या मिल गया, यहाँ भी तो कूदने लगी। इसमें कूदने वाली क्या बात है? हाँ तो मेरे पैर में दर्द हो रहा है, या मेरा पैर नहीं है, या मैं घर के काम नहीं करती, और अगर मैं घर के काम करती हूँ तो करने देना मुझे। सब्जी मैं भी काट सकती हूँ ना, तो काटने दे मुझे, और तू चाहे तो चली जा भीमरमा के पास, क्योंकि अपने पति से कितना मतलब है तुझे वो तो मुझे दिखता ही है। आई, आज आपका मन बहुत उदास होगा ना, मेरा भी था, यही सोच सोच कर कि आज पूरे चाल में सब भीम ये भीम वो यही कर रहे होंगे। पूरन छूट कर आया तो सबने भीम को सर पर चढ़ाया होगा। करुणा, समस्या तो ये है कि वो पूरन छूटकर आ गया, अब वो यही रहेगा, यही खाएगा और रोज खाएगा, और समझ रही है ना तू, खाने के लिए खर्चा होता है, पैसा लगता है। बाहर लोग क्या कह रहे होंगे, भीम कितना महान है, रमा कितनी महान है,
पूरन को जीतने के बाद घर लेकर आए, खिला रहे हैं। और सच क्या है? तू कमा रही है, वो लक्ष्मी कमा रही है। भीम के कमाने का तो कुछ पता ही नहीं है, और ऊपर से वो उसकी पत्नी रमा, उसे तो भीम के पीछे पीछे घूमने से वक्त मिलेगा तब ना। लेकिन आई, ये तो गलत बात है। हाँ, गलत तो है। इस गलत का मैंने अपने तरीके से बहुत विरोध किया, मगर कुछ नहीं हुआ। अब तुम देखो, अपने तरीके से विरोध करके ठीक है। आई, मैं जाकर बात करती हूँ। तेरे बोलने से कौन सुनेगा करुणा? औरत की बात कोई नहीं मानेगा। हाँ, औरत की बात में ताकत तब आती है जब उसका पति बोलता है। अपने पति को तैयार करो। मेरे पति तो भीम के विरोध में बोलने के लिए ना कभी तैयार थे और ना कभी होंगे। पर क्या पता बाला तैयार हो जाए। और हाँ, इसकी चिंता मत कर, ये मैं काट दूंगी। बाला भैया, आज कोई हमें बता रहा था कि यहाँ से ट्रेन पकड़ के थोड़े दूर जाएंगे तो वहाँ काम मिल जाएगा। बांध बन रहा है वहाँ पर। अरे ये तो बड़ी अच्छी खबर है, चलते हैं फिर। भीम की समस्या भी यहाँ लगभग खत्म ही हो गई। यहाँ आप सब ठीक है, हम दोनों सुबह की ट्रेन से चलेंगे। दिन भर काम करेंगे और शाम की ट्रेन से लौट आएंगे। करुणा और लक्ष्मी भी पहले से यहाँ काम कर ही रही है। हाँ, सही बात है, हम दोनों तो कमा ही रहे हैं और अब आप दोनों भी जा रहे हैं कमाने। सब मिलकर पैसे कमाएंगे और कमाना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे चलेगा? यहाँ मुफ्त के खाने वाले कितने लोग जो है। भाभी, रमा और भीम के बारे में ऐसा मत बोलिए। अब भीम और रमा के अलावा एक और भी आ गए, पूरन काका। करुणा भाभी, पूरन काका इतनी मुसीबत से लड़कर यहाँ तक आए हैं, अभी तक उनके मुंह में एक निवाला तक नहीं गया है, पर एक नया नाटक शुरू हो गया है। क्या आपको भी ये नाटक लगता है? अब नाटक करोगी तो नाटक ही लगेगा ना। नाटक नहीं है ये, थोड़ा सोचिए और ठंडे दिमाग से सोचेंगे ना तो समझ आएगा। हर बात सिर्फ एक दिन की नहीं है, बात यह है कि भीम रमा का क्या है। वो तो भावनाओं में बहकर कह देंगे पूरन काका से कि जब तक मन है तब तक रहिए, लेकिन पैसा, पैसा कौन देगा? आनंद भाव को फर्क नहीं पड़ता होगा कि उनकी बीवी कमाए और बाकी सब खाए, लेकिन मेरा सवाल आपसे है, क्या आपको भी फर्क नहीं पड़ता? करुणा, जाने देना, ये सब बात बाला से मत कर। क्या है, इस घर में किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता जब सामने सवाल भीम रमा के खिलाफ। और मैं जानती हूं ना, मेहनत करके पैसे घर ला रही है और यहां पैसे बच जाएंगे। जाने दे। आई, 4-6 दिन कोई हमारे साथ रह लेगा, हमारे साथ खाना खा लेगा तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। एकदम सही समय पर आए हो भीम। रुको, अभी
कि तुम्हारे पूरन काका और कितने दिन यहाँ रहेंगे। पता नहीं, लेकिन जब तक मानसिक तौर पे उभर नहीं जाएंगे या फिर खुद की अलग दुनिया बसाने लायक नहीं हो जाएंगे तब तक। और ये सब होने में अगर 4 साल लग गए तो? इतने तो नहीं लगेंगे, लेकिन अगर लगे भी तो क्या दिक्कत है? मतलब किसी की मदद करने में बुरी बात क्या है? देखा आपने, सुन लिया ना, 4 दिन कोई रख भी ले, लेकिन 4 साल, 4 साल कौन रखता है?